भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब से पांडेश्वर विधानसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र तिवारी का नाम घोषित किया गया है, तभी से जगह जगह भाजपा कर्मियों द्वारा विरोध तथा रोष जताया जा रहा है। आज भाजपा के एक दलीय कार्यालय में जितेंद्र तिवारी का स्वागत किया गया तथा भाजपा के कर्मियों ने जितेंद्र तिवारी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जितेंद्र तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि तृणमूल कर्मी जो पहले उनके साथ थे उन्हें भाजपा में नहीं तथा उनके पुराने कर्मी जो तृणमूल कांग्रेस में रहते समय उनके साथ काम कर रहे थे उन सभी तृणमूल कर्मियों को पुराने माल बोलकर संबोधित किया तथा यह कहा कि उन पुराने मालों को नहीं लिया जाएगा और भाजपा में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं उन्हें नया माल का नाम देकर उनसे संबोधित किया। प्रत्याशी जो गत 2016 में जितेंद्र तिवारी के विरुद्ध बीजेपी से खड़े हुए थे जितेन चटर्जी, वो इस सभा में आज जितेंद्र तिवारी का स्वागत करने के लिए नहीं आए। जितेंद्र तिवारी को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर लगातार विरोध एवं रोष भाजपा के पुराने कर्मियों में देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा मंडल दो के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप पाल ने भाजपा से अपना नाता तोड़कर रिजाइन दे दिया तथा तृणमूल कांग्रेस के पांडेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रार्थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के हाथों तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी जितेंद्र तिवारी पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। आज Thank you.